नहीं, अब मैं ज्यादा किसी को परेशान नहीं कर रही, बस मैं परसों चली जाऊंगी, मेरी फ्लाइट है। अब आपको एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगा। मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ, किसी के साथ नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि जिसके पास मैं जा रही हूँ उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे साथ कोई आए। शाहिद साहब, मैं आपको फोन कर रही हूँ। हाँ तो हम भी तुमसे ही पूछ रहा है। लेकिन आप तो मेरे घर वालों का पूछ रहे हैं। हाँ तो और किससे पूछेगा फिर? मुझसे आप मेरे बारे में भी तो पूछ सकते हैं ना। वैसे शाहिद साहब आप बुरा मत मानिएगा, मुझे ना आप थोड़े से खिसके हुए लगते हैं। जी, क्योंकि जहाँ पे फलाही काम होता है वहाँ लोग बहुत सपोर्ट करते हैं CNGOs को। मैडम, हमको यकीन था आप जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। आप कभी आओ ना लियारी। हाँ हाँ हाँ, जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये छोटे इलाकों में NGO बनाने का ख्वाब मेरा भी था, लेकिन फिर सारे काम, बिजनेस, ऑफिस सब में मैं इतना बिजी हो गई कि ख्याल ही निकल गया। अरे तुमको अच्छी लगती है तो बात करें सज्जाद चचा से। अरे नहीं, हमको लगता है कि चचा सज्जाद खुद अपनी बेटियों के चक्कर में है। घर भी हमको इसलिए लेकर गया था, और उसकी बेटियाँ वो भी हमारे पीछे पड़ा है, हर वक्त ट्राई करता रहता है हम पर। अरे तो हमको भी ले चलो, वो तुमने कहा था वो दो हैं, एक हमारे साथ हो जाएगा। अरे तुम भी शादी का सोच रहे क्या? अरे नादिर भाई, हम ये पूछ रहा था कि ये नया गाड़ी कहाँ से आया, बता दे तूने उसको। अरे दादा, ऐसी बातें कहाँ चुपता है। इतनी बात है दादा, सेठ वादे का बड़ा पक्का है। अरे अपना फायदा के लिए सब वादे का पक्का होता है, समझा? देख भाई, मैं मछेरे का बच्चा है, मुझे ये शोहरत वोरत हमको नहीं चाहिए, हमको बस काम करने का है। अरे ओ मछेरे का बच्चा, इतना जज्बाती नहीं हो, जो तुमको चाहिए वो ले लो। अरे शाहिद दिलावर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा बड़ा लोग जिधर होते हैं ना उसका पीछे सारे ये मीडिया मीडिया वाला, ये न्यूज रिपोर्टर सब पहुंच जाता है। अब एक लड़की जो है वो बार बार फोन कर रही है, तो इसका कुछ तो मतलब होगा ना, जो लड़के को फौरन समझ जाना चाहिए। वो भी समझ गया होगा, ऐसे जरा ऊपर से आने के लिए तुम्हें नखरे दिखा रहा होगा। रहने दो, मुझे नहीं बर्दाश्त ये नखरे। अम्मा, शान से जो ताना वो ता तो नौशीन का दोस्त, लेकिन अब वो पैसल के घर रह रहा है, इसके पीछे कोई तो वजह होगा, ऐसे तो वो वहां पे जाके नहीं रहना होएगा। आ हो सकता है, मोहल्ले वाला भी सब बातें करता था कि लड़की घर से भाग कर आया है और नौशीन का दोस्त है। देख भाई, तेरा काम हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। अरे मैडम से बात हो गया, वो थोड़ा मसरूफ है, लेकिन खुशी का बात ये है कि उसने हामी भर लिया कि वो NGO बनाने में तुम्हारा हमारा हम सबका मदद करेगा। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम अपना नाम बनाने के वास्ते ये सब कुछ कर रहा है? देख भाई, मैं मछेरे का बच्चा है, मुझे ये शोहरत वोरत हमको नहीं चाहिए, हमको बस काम करने का है। अरे ओ मछेरे का बच्चा, इतना जज्बाती नहीं हो, जो तुमको चाहिए वो ले लो। क्या मतलब है तेरा? अरे तुमको नहीं चाहिए शोहरत, मैडम को चाहिए तो उसको लेने दो। वो मीडिया बुलाएगी, प्रेस बुलाएगी, लोगों में मशहूरी होगी तुम्हारी, इस तरह काम भी ज्यादा आएगा, समझो बात को। अरे शाहिद दिलावर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा बड़ा लोग जिधर होते हैं ना उसका पीछे सारे ये मीडिया मीडिया वाला, ये न्यूज रिपोर्टर सब पहुंच जाता है, और जहां तक ये मीडिया तुम्हारा बात पहुंचाएगा वहां तक तो बात तुम्हारा पहुंच भी नहीं पाएगा, तुम जितना भी जोर लगा लो अगर तुम खुद से करेंगे तो। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आजकल तुम वैसे भी कुछ और सोच रहे, बड़ा रंगीन हो गया तुम्हारा जिंदगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे क्या तुम लोग गोल गोल बातें कर रहे हैं, हमको भी तो समझाओ। अरे तुम जानता तो है वो चचा सज्जाद जो है, हमने तुमको बताया तो था सब। अरे जिसका लड़की से तू मिलने भी गया था। हाँ, मिलके भी आता है और बोलते है हमको कोई दिलचस्पी नहीं है, इसको वो आज वाला वाकया सुना ना, वो जो तुम खिसका हुआ है वो वाला। बता बता,
अरे हमको भी बताओ। तुम दोनों के मजे हैं, कोई ना कोई लड़की तुम लोगों को मिलता ही रहता है, एक हमें देखो कोई मिलता ही नहीं है। अरे अच्छा है, तेरे पीछे कोई नहीं पड़ा है, जान छोड़ाना मुश्किल हो जाता है। वो शांजी मैडम है ना, वो बाहर जा रहा है उसी बंदा के पास जो वो कहता था कि धोखेबाज है, लेकिन बातों बातों में उसने हमको बताया है कि गलतफहमी थी है, और इसकी तरफ से भी कोई गलती था। हाँ तो कब जा रही हो? अरे कल का फ्लाइट से जा रहे हो। अरे फिर तो आज रात है, बस कल चली जाएगी। हाँ बस अभी चली जाएगी। हमको फिर उसको एयरपोर्ट छोड़ के आना चाहिए। अरे एयरपोर्ट काहे को छोड़ने जाएंगे, वो नहीं चाहता उसको कोई एयरपोर्ट छोड़ने के वास्ते जाए, कुछ चला जाएगा। अच्छा इसका मतलब है कि वो नाराज होके जा रहा है। पता नहीं, चलो हम लोग तो चलते हैं। चलो चलो। अरे बिस्किट वापस रख दो, हिसाब में ना लिख देना, उसका हिसाब बनाता जाता है ये। आओ बैठे आओ। जी डैडी, आपने मुझे बुलाया। जी बेटे बैठो बैठो। तुम सो तो नहीं रही थी? नहीं डैडी, जाग रही थी अभी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी डैडी, क्या बात करनी है? एक बहुत अच्छी फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, और लड़का भी बड़ी अच्छी पोस्ट पे है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी वहाँ करना। आप क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारी मर्जी से करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता दो। आप इतनी जल्दी क्यों करना चाहते हैं मेरी शादी? तुम्हें लग रहा है मेरी जिंदगी में एक नई औरत आ गई, तो मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी जल्दी शादी करना चाह रहा हूँ बेटा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है डैडी, मैं तो सिर्फ वजह जानना चाहती थी। देखो बेटा, तुम सारे दिन घर में अकेली उदास रहती हो, किसी के साथ बैठती नहीं हो, मिक्सअप नहीं होती हो, बातचीत नहीं करती हो, तो मैं बड़ा फिक्रमंद रहता हूँ। इनाया बहुत अच्छी है, लेकिन जाहिर है वो तुम्हारी माँ नहीं है। जाहिर है तो तुम्हें उससे प्यार भी नहीं हो सकता। अगर वो तुम्हारा ख्याल रखे भी, तुमसे प्यार भी करे, लेकिन तुम महसूस करोगी, तुम्हें लगेगा कि ये सब फेक है, दिखावा है। डैडी, कोई दूसरी औरत मेरी माँ हो भी कैसे सकती है? बेटा मैं भी यही सोच कर कह रहा हूँ कि तुम उसे माँ समझोगी भी नहीं, और जाहिर है हो भी नहीं सकता ये, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मर्जी चाहता हूँ। ठीक है डैडी, सोचने का वक्त है। बेटा तुम्हें कोई अच्छा लगता है या तुम किसी को पसंद करती हो तो मुझे बिला झिझक बता देना। अगर कोई हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है बेटे, अब तुम सो जाओ। ओके बेटा, थैंक यू। अरे चन्नी, अरे किधर है क्या था यार तू? अरे नादिर भाई, बड़ी जबरदस्त खबर लाए हम। अरे हाँ तो पहले वो ही बोल ना। वो कल लड़की जा रहा है। लड़की कहाँ? एयरपोर्ट, फैसल शाहिद को बता रहा था। शाबू बस तू गाड़ी तैयार रख, तो तुम लोग के जाने का इरादा हो गया है। जी अंकल, मैं जा रही हूँ। तुम लोग का भाई तुमसे मिलने के लिए बड़ा बेचैन है। वो हमको बोला कि हम तुमको समझा दे, लेकिन हमको लगा कि तुम खुद समझदार है, अब तुम मिलना नहीं चाह रहा है तो कोई ना कोई तो वजह होएंगी ना।
ना कौन सा बहन है जो अपना भाई से मिलना नहीं चाहता है। अरे यार ये छन्नी और चाबू किधर रह गए? एक मिनट दादा, अभी पता करता हूँ फोन करके। अरे आ गए दादा। अरे चन्नी, अरे किधर रह गया था यार तू? अरे नादिर भाई, बड़ी जबरदस्त खबर लाया हम। अरे हाँ तो पहले वो ही बोल ना। वो कल लड़की जा रहा है। लड़की कहाँ? एयरपोर्ट। फैसल शाहिद को बता रहा था। शाबू बस तू गाड़ी तैयार रख। अरे उस्ताद वो तो तैयार खड़ी है। और समझो फिर हमारा काम तो आसान हो गया। पर क्या ये पक्का खबर है कि वो अकेला जा रहा है? अरे हाँ उस्ताद, ये छन्नी बोल रहा था कि फैसल बता रहा था कि बात पक्की होगी। हाँ तो और कौन बोलेगा? अरे फैसल ही बोलेगा। हाँ तो शाबू उसका भाई को फोन कर और उसको बोल के जगह का बंदोबस्त करे, कल उसका काम हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। और हाँ एक बात और बोल देना उसको, अरे इतना बड़ा काम करके हम टैक्सी वैक्सी में नहीं आएगा, हमको गाड़ी चाहिए। अरे उस्ताद उसके लिए गाड़ी देना कौन सा बड़ा बात है? और हाँ उस साइड पे रहना, याद है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल याद है, तुम फिक्र मत करो, हमको सब याद है। लालू चाचा, अरे तुम अपना काम से काम रखो। नहीं नहीं, मैं तो बच्चे को बता रहा था। शाबाश। हाँ मैंने पैकिंग कर ली है, ठीक है मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगी इंशाल्लाह। ओके चलें, ओके अल्लाह हाफिज। हमको पता है कि आप हमसे नाराज हो कि ऐसे जा रहे हैं, लेकिन यकीन मानो हमारा दिल साफ है, हमने कुछ गलत नहीं किया हूं। हर इंसान अपनी कहानी में हीरो होता है और शायद आप अपनी कहानी में हीरो हैं, लेकिन मेरी एक अच्छी आदत यह है कि मैं बहुत जल्दी चीजें एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ये अच्छा आदत है, बहुत अच्छा आदत है, लेकिन सच पूछो तो हम चाहता हूं कि आप इस तरह नाराज होकर यहां से नहीं जाओ। अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो हम माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं फैसल, वैसे भी मुझे अम्मा ने बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल रखा मेरा, मेरे लिए यही काफी है। मैं दिल में मैल नहीं रख सकती, आपको पता है मैं ज्यादा ट्रांस में नहीं रह सकती हूँ। ये तो हमको अंदाजा हो गया है। शायद मैं ये लोग बोल रहा था कि आपको एयरपोर्ट छोड़ने सब साथ जाएगा, इस बहाने हम सब भी एयरपोर्ट देख लेंगा। नहीं नहीं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अकेले चली जाऊंगी। और मेरी तरफ से नौशीन को बहुत थैंक यू कहिएगा, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। हम नहीं कहूँगा उसको शुक्रिया, अगर आप कह रहे हैं ना वो आपका दोस्त है और उसने आपका बहुत ख्याल रखा है, तो आप जाते जाते उससे मिलो और खुद उसका शुक्रिया अदा करो। नहीं फैसल, एक्चुअली हमारे दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ उसकी तरफ से और कुछ मेरी तरफ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बस। हाँ बात तो ठीक कर रहे आप। अब मेरी थोड़ी सी पैकिंग रह गई है, मैं बस वो कर लूँ मिनटों में। हाँ कर लो आप, कर लो। हमको छोड़ के जा रहे हैं, हमको तुम्हारा आदत हो गया था, हम हर वक्त तुमको अपना घर में देखना चाहता था। अम्मा आप प्लीज परेशान मत हो, मैं आपसे मिलने आती जाती रहूंगी, मुझे आपकी ये मोहब्बत बहुत याद आएगी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। तू भी हमको बहुत याद आएगा।
दुबला के जाने का इरादा हो गया? जी अंकल, मैं जा रही हूँ। दुबला का भाई तुमसे मिलने के लिए बड़ा बेचैन है। वो हमको बोला कि हम तुमको समझा ले, लेकिन हमको लगा कि तुम खुद समझदार है। अब तुम मिलना नहीं चाह रहा है तो कोई ना कोई तो वजह होएंगी ना। मैं कौन सा बहन है जो अपना भाई से मिलना नहीं चाहते है? आप ठीक कह रहे हैं अंकल, भाईजान के बहुत सारे मसले हैं, लेकिन उनके बहुत सारे मसले एक तरफ और उनके साथ रहने के लिए जान का खतरा है मुझे। पता नहीं वो कब क्या क्या प्लान कर डाले। आदमी हमको भी वो ठीक नहीं लगता है जी। जब ही मैं ये मुल्क छोड़ के जा रही हूँ। अरे वो तुमको वहाँ पर सपोर्ट करेंगे ना? हमारा मतलब है कि कहीं तुम वहाँ पहुँचो और वहाँ पहुँच कर तुमको बोलिए कि पहले की तरह अपना मकान बेच के आवे, पैसा देवे उसको। हाँ मैं उसकी वफा का सोच के नहीं जा रही हूँ। क्या करेगा वो? ज्यादा से ज्यादा छोड़ देगा मुझे, शादी नहीं करेगा, इसकी मुझे कोई तवक्का भी नहीं है। फिर इतना दूर जाने का क्या फायदा है? कम से कम मैं यहाँ से तो दूर चली जाऊंगी ना, जहाँ पे भाई का कोई खौफ नहीं होगा। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई ना कोई जॉब कर लूंगी, मिल जाएगी मुझे कोई जॉब। हाँ बिल्कुल सही फैसला किया है तुमने। अच्छा अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। लाड़ फैसल छोड़ के आओ। अरे हम बोले उसको, चलो हम छोड़ते आ जाओ। अरे एयरपोर्ट बहुत दूर है, अकेला जाना ठीक नहीं है। हेलो जी, आप आ गए हैं सर? बस मैं भी आ रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। मेरी राइड आ गई है, अल्लाह माँ तो मर चुकी है और मैं अपने बाप को इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती। अच्छा तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, पर जिस रिश्ते की जगह आपने ली है ना, वो मेरी माँ की थी और मुझे बहुत तकलीफ और जेलसी होती है। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है। बाहर आओ रे। कौन है आप लोग? अरे हम बोल रहे बाहर आओ, चुप करो, बकवास बंद। लड़की को छोड़ दे, लड़की इस वक्त मेरी टैक्सी में, मेरी इज्जत है। अरे तो बीच में मत आओ, हम बोल रहे तेरे को। कब किसको क्या बुरा लग जाए कुछ पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं बात को पहले समझने की कोशिश करती हूँ। और आजकल तो मैं वैसे भी उरू से दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत मेच्योर बातें करती हैं, मुझे लग रहा है कि भाईजान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अरे शाबू, अरे ये तो इसको इधर ही छोड़ के जा रहा है। अरे हाँ दादा, अरे ये एहसान शिकार तो हम खुद भी कर लेता। अरे परान,
चल चल पीछा कर जल्दी। मैं अपने लिए चाय बना रही थी, सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। रुच, क्या हम जिंदगी भर ऐसे रहेंगे? हाँ जी, अच्छा ठीक है, बस इतनी सी मुख्तसर बात। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्या बात करूँ, मेरे पास तो कोई बात ही नहीं होती करने को। जब तुम बातें करोगी तो बहुत सारी बातें निकलेंगी, लेकिन जब तुम ये सोचोगी कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और मैंने तुम्हारे बाबा को छीन लिया तो। अरे नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। मेरी माँ तो मर चुकी है और मैं अपने बाप को इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती। अच्छा, तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, पर जिस रिश्ते की जगह आपने ली है ना, वो मेरी माँ की थी और मुझे बहुत तकलीफ और जेलसी होती है। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है, लेकिन कुदरत के फैसलों को भी तो नहीं बदला जा सकता, उन्हें तो कबूल करना ही पड़ता है। मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं लेना चाहती। हाँ, मैं कबूल करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। या मैं आपको पसंद नहीं करती, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच पूछें तो मैं नॉर्मल रहना चाहती हूँ आपके साथ। मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की जगह लेना भी नहीं चाहती, यकीन करो मेरा। बस थोड़ी सी दोस्ती चाहती हूँ तुमसे। मैं ये चाहती हूँ कि एक ही घर में हम रहते हुए चुप ना रहें। मैं कोशिश कर रही हूँ ना, हो जाएगी हमारी दोस्ती। अच्छा एक बात बताओ, कल तुम्हारे डैडी ने बात की थी तुमसे शादी की? हाँ, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में तो कोई लड़का नहीं। तो फिर हम कोई देखें? ये भी मैंने नहीं सोचा। देखो रुच, इस घर में रिदा और किरण भी रहते हैं, उनका रिश्ता उनके माँ बाप देखेंगे, लेकिन तुम्हारा रिश्ता तो हमें देखना पड़ेगा ना। पर इतनी जल्दी भी क्या है? कोई जल्दी नहीं, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तुम्हारा जब दिल करे तब बता देना। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अरे हम बोल रहे बाहर आओ, चुप करो, बकवास बंद। लड़की को छोड़ दे, लड़की इस वक्त मेरी टैक्सी में, मेरी इज्जत है। अरे तू बीच में मत आओ, हम बोल रहे तेरे को। मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। अरे हम नादिर उठा डालूंगा तेरे को। मेरे को भले ठोक दे, लेकिन लड़की को छोड़ दे। मेरा हाथ छोड़ो। लड़की को उठा।
आए ना, बैठे ना। आप हर वक्त कमरे में रहती हैं, बोर नहीं हो जाती? हो जाती हूँ अक्सर। तो बाहर आकर बैठा करें ना, बच्चियों के साथ गप लगाया करें। माशाल्लाह मेरी दोनों बच्चियाँ बहुत खुश मिजाज हैं, और पता है बहुत बोलती भी हैं, आपको कभी बोर नहीं होने देंगी। जी अंदाज़ा हो गया था मुझे, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा हमें एक दूसरे को समझने में और एक साथ सेट होने में। टाइम क्यों लगेगा, ये हम सबका घर है और आप भाईजान की बीवी हैं, इस घर का फर्द हैं, तो टाइम कैसा? एक ही माँ बाप की औलाद के मिजाज एक जैसे नहीं होते, इसलिए मैं बहुत मोहतात रहती हूँ। पहले बात समझने की कोशिश करती हूँ, कब किसको क्या बुरा लग जाए कुछ पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं बात को पहले समझने की कोशिश करती हूँ। और आजकल तो मैं वैसे भी उरू से दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत मेच्योर बातें करती हैं, मुझे लग रहा है कि भाईजान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। उनके फैसले से ज़्यादा मुझे अपना फैसला ठीक साबित करना है। शादी का फैसला सिर्फ उनका तो नहीं था, मेरा भी था, तो जाहिर है मुझे भी साबित करना है कि मैं एक अच्छी बीवी हूँ। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, नहीं तो आजकल के दौर में ऐसी औरतें कहाँ मिलती हैं जो अपनी सुतेली बेटी के साथ दोस्ती करना चाहती हो। बल्कि आज तक तो हमने यही सुना है कि दूसरी बीवी आती हैं, शोहर के कान भरती हैं, और शोहर भी इतने अच्छे कि फौरन बच्चों पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। मुझे अफसोस होता है ऐसी औरतों पर जो शादीशुदा मर्दों से शादी तो खुशी से कर लेती हैं, लेकिन कभी खुश नहीं रहती और हमेशा ऐसी बात के ताने देती हैं। तो जाहिरी बात है ना, ऐसे घर भी नहीं बसते जहाँ ताने दिए जाते हैं। हाँ ठीक कह रही हैं आप, रिश्तों में अगर इज्जत और रखरखाव ना हो तो रिश्ते ज़्यादा अरसे नहीं चलते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चाय पियेंगी आप? चाय लाऊं आपके लिए? बातें आप बहुत अच्छी करती हैं, तो चाय भी अच्छी बनाती हूँ जरूर। मैं अभी बना के लाती हूँ। सोएगा, अब भी सोएगा, नींद आएगा तो सो जाएगा। नादिर का इंतजार करता हूँ मैं। तुमको पता तो है कि वो लेट आता है, अभी सो जाओ तुम। देर से आता है लेकिन इतना टाइम नहीं लगाता, हमको घबराहट हो रहा है। इस लड़के को कोई फिकर ही नहीं है, लेकिन हम तो माँ है ना, हमारा दिल बेचैन हो रहा है। अरे उस्ताद इसके बारे में तो सोच, इसका क्या करें? अरे इसके भाई को फोन करता है, वो करेगा बंदोबस्त इसके इलाज का। उस्ताद को गोली हमने मारा है। अरे उसको तोड़ा ही ना बने कि हमने चलाया शाबू। अरे उस्ताद इसको गोली लगे, पहले हमको इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। अरे शाबू तू हमको पक्का जेल भिजवाएगा? अरे क्या बोलता हॉस्पिटल वालों को? हाँ अरे वो जख्मी को देख के सीधा पुलिस को फोन करता है। अरे उस्ताद इसके बारे में तो सोच, इसका क्या करें? अरे इसके भाई को फोन करता है, वो करेगा बंदोबस्त इसके इलाज का। अरे उस्ताद इसको गोली हमने मारा है। अरे उसको तोड़ा ही ना बने कि हमने चलाया शाबू। पानी वानी तो पिलाओ, इसके सांस वास तो आवे, कहीं मरना क्या हो। अरे तू मुंह बंद रख, हम देख के आता है। अरे शाबू वो तो मर गए। अरे शाबू जाके देख तो सही यार, मर गए वो।
अरे उस्ताद, वाकई मर गया उस्ताद। अरे अब तो हम पक्का जेल जाएगा। अरे उस्ताद ऐसा नहीं बोलो यार, कत्ल के केस में अंदर जाएगा तो वापस नहीं आएगा यार उस्ताद। अरे हम सोचते हैं कुछ बाबू, सोचते हैं हम कुछ। अरे उस्ताद जल्दी सोचो यार, कोई पुलिस विस आ गया ना उसको क्या जवाब देगा हम। अरे हम वो क्या बोले शाबू, क्या बोलेगा हम। अरे हम तो खुद अभी आए, हम तो पुलिस को फोन करने वाला था, और क्या बोलेगा हम उसको, यही बोलेगा। चलो रे गाड़ी में बैठो। क्या हुआ अम्मा, तुम सोया नहीं अभी तक? अम्मा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, क्यों नहीं सोया अभी तक? सोएगा, अब भी सोएगा, नींद आएगा तो सो जाएगा, नादिर का इंतजार करता हूँ मैं। तुमको पता तो है कि वो लेट आता है, अभी सो जाओ तुम। देर से आता है लेकिन इतना टाइम नहीं लगाता, हमको घबराहट हो रहा है। इस लड़के को कोई फिकर ही नहीं है, लेकिन हम तो माँ है ना, हमारा दिल बेचैन हो रहा है। अम्मा तुम ऐसा करो कि उसको फोन कर लो। क्या फोन करे, फोन करो तो जवाब देता है कि आम से पूरा लियारी डरता है, हम कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, तुमको क्या परेशानी है। तो परेशान क्यों होता है अम्मा, कब तक ऐसे बैठा रहेगा, फिर आ जाएगा ना। चलो भी सो जाओ तुम। तुमको नींद आ रहा है, तुम सो जाओ, हमको भी नींद आएगा, हम सो जाएगा, मत करो हमको परेशान। ठीक है अम्मा, हमको तो सुबह स्कूल जाना है, सो रहे हैं हम। हाँ। और तुम भी सो जाओ, कोई पहली दफा नादिर भाई लेट नहीं हो रहा, आ जाएगा टाइम से। उस्ताद तो इसको हम कहीं ठिकाने लगा देता हूँ। अरे तो उसका भाई को क्या बोलेगा? उसके का हमको नहीं मालूम। और जब उसको लाश मिलेगा? अरे वो तुम्हारी तरह अकल से पैदल नहीं है। उस्ताद तो वो क्यों सोचेगा हमने इसको मारा है? अरे शक तो जाएगा ना शाबू। अरे और तो और वो तो रोज की शादी के लिए भी बहुत फिक्रमंद है। हो सकता है कि वो ये सब कुछ उस झंझट से निजात हासिल करने के लिए कर रही हो। अरे नहीं भाई, उन्होंने ये फैसला भी उरूज पर छोड़ दिया, बल्कि अब हमें भी तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सोचना होगा। ये जो सेठ है ना, ये बहुत तेज लगता है हमको। अरे कहीं हमें ही ना फंसा दे। अरे हम भी बोल दिया उसको कि तुम भी फंसेगा। देखिए उस्ताद, वो पैसे वाला आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। अरे शाबू तू हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे है? अरे जो होना तो वो हो गया, एक काम कर दिया हमने। मैं तो ऐसे परेशान हो कि क्यों घूम रहा है तुम, कौन सा पहली दफा लेट आ रहा है, चलो सो जाओ। अरे लेट होता था लेकिन इतना लेट कभी भी नहीं हुआ है, हमारा दिल बेचैन हो रहा है, लड़का है वो, उसको एहसास ही नहीं है, हम तो माँ है ना, हमको तो परेशानी होएगा, अल्लाह खैर करे। अरे वाह, मतलब हम सब अपनी ख्वाबों की मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मंजिल का तरफ तो उसी दिन से बढ़ना शुरू कर दिया था जिस दिन से हम लोगों ने फैसला किया था। और दिलावर तू एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, जीत तेरा ही होएगा। हाँ इंशाल्लाह, बस अब लगता है सफर खत्म होने ही वाला है। वो बीमार नहीं, वो डिस्टर्ब है, उसके अब्बा ने दूसरी शादी जो कर ली है। तो भाई वो भी कर ले, मतलब उसकी भी हो जाएगी यार, लेकिन उसके लिए उरूज के पास कोई अच्छे ऑप्शंस भी तो होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि उसे कोई पसंद भी करता होगा। अब तो हम कब देख देख के थक गया हूँ, अब तो ख्वाब भी नहीं आता ऐसा जो हम ख्वाब में ही खुश हो जावे।
अब्बा तुम फिकर ना करो, हमको अपना कामयाबी बहुत करीब दिखाई दे रहा है। तुम्हारा कामयाबी तुम्हें सामने दिख रहा है, इधर हम मरने वाला हो गया है, बुढ़ा हो गया है। अगर उनकी तरफ से कोई बंदा मर गया तो मैं तुम्हें छोड़वा लूंगा, पैसे तो वैसे भी मैं तुम्हें मुंह मांगे ही दूंगा। देखो सेठ, अरे हमको बंदा मारने से कोई डर नहीं लगता है, अगर गोली चलेगा ना तो तुम्हारा बहन भी उस गाड़ी में ही होएगा। नादर भाई तुम एक काम करो, गोली सीधी शांजे को ही मार दो, शक भी सीधा उन्हीं पर जाएगा। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम भी मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं। मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से किवाड़ी, ल्यारी से किवाड़ी, दुनिया से घबराना क्या, खतरे को